बाजार में जलभराव की स्थिति का विधायक धामी ने किया निरीक्षण। बताते चले कि खडीमा टनकपुर रोड पर मुख्य चौक से लेकर अमाऊ तक सड़क के दोनों ओर करोड़ की लागत से चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर सड़क के दोनों तरफ की गई खुदाई में हुई जलभराव का विधायक पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। स्थानीय व्यापारियों की शिकायत पर निरीक्षण को पहुंचे विधायक धामी ने स्थानीय प्रशासन कार्यदायी संस्था व ठेकेदारों से व्यापारियों को सड़क किनारे खुदाई और बरसात के जलभराव से निजात दिलाने को लेकर निर्देशित किया। वहीं खडीमा की आवाज़ न्यूज़ से रूबरू होते हुए खडीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खडीमा मुख्य चौराहे से अमाऊ तक जहां सड़क के दोनों ओर सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है, वहीं सड़क के दोनों ओर सौंदर्यीकरण को लेकर की गई खुदाई में जलभराव व उससे होने वाली परेशानी की स्थानीय व्यापारियों ने शिकायत की थी, जिसके चलते आज उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थानीय अधिकारियों व कार्य संस्था के कर्मचारियों के साथ सड़क के जलभराव का निरीक्षण किया है। वहीं विधायक ने कहा कि उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बरसात के चलते अगर डामरीकरण के कार्य में देरी है तो जलभराव वाले स्थानों पर RBM डालकर स्थानीय व्यापारियों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाएं। हमारी जो टनकपुर रोड है मुख्य चौराहे से लेकर अमाऊ क्षेत्र तक जो है यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। बीच में बरसात के कारण से और कुछ कारणों से अभी पूरा काम नहीं हो पाया। उसमें अभी मुझे व्यापारियों ने बताया कि यहाँ पर मेन मार्केट में दोनों तरफ जो है जहाँ पर अभी सौंदर्यीकरण के बाद ये इसमें डामरीकरण का कार्य होना है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। उसके कारण से आजकल जब से ये लॉकडाउन खुला है तो हमारे आने वाले लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर मैंने आज स्थानीय प्रशासन को और जो हमारी जो कार्यदायी संस्था है उस संस्था के लोगों को और ठेकेदार के लोगों को यहाँ पर बुलाया है। हमने कहा है कि जल्द से जल्द इसको ठीक करें और अगर काला अभी जल्दी नहीं हो पा रहा है डामरीकरण तो इससे पहले यहाँ पर जो है RBM इत्यादि डालकर जिससे कि जल भराव न हो, लोगों को यहाँ पर असुविधा का सामना न करना पड़े।